आज की ये तकरीब अंजमन ताजरान गुजरांवाला आल पाकिस्तान तंजीम मुगलिया पाकिस्तान और अल शफा फ्यूचर हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम मुनक़द पुज़ीर है, जिसमें आप अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। हमारी बहन मोहतरमा मैडम सुमैरा, जिनको को ज़रूरी काम है उन्होंने जाना है, उनको शील्ड पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा। जनाब सरपरस्त आला आल पाकिस्तान तंजीम मुगलिया वो स्टेज पे तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं मैडम सुमैरा से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और सरपरस्त आला आल पाकिस्तान तंजीम मुगलिया जनाब आर महमूद साहब से अपनी शील्ड वसूल करें। तलावत कुरान मजीद के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब मोहतरम सईद हातिम साहब, सेक्टरी इतलात अंजमन ताजरान गुजरांवाला। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो आए तलावत कुरान मजीद इरशाद फरमाएं। जनाब मोहतरम सईद हातिम साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह जल्ले शानहु व अम्मा नवालहु इस सूरह मुबारका में कसम उठाकर इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में तमाम लोग खसारे और घाटे में हैं, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और नेक साले अमल किए और लोगों को हक बात की दावत दी और उस पर जो तकलीफ़ें आईं सब्र किया, वही लोग कामयाब और कामरान हैं। वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तलावत कुरान मजीद इरशाद फरमाएं जनाब कारी असलूब साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب بكم
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق ये थे जनाब कारी असलूब साहब। अब मैं नाते रसूल मकबूल के लिए गुजारिश करूंगा जनाब सरदार बशारत अहमद सालिक साहब से कि वो आएँ और नाते रसूल मकबूल पेश करें। जनाब मोहतरम सरदार बशारत अहमद सालिक साहब। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम सदाकल्लाहुल लय्यल अज़ीम। मुझे आफ साहब ने नात के लिए पुकारा और मैं चला आया। एक दो ज़रूरी बातें अर्ज करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको नात सुनाएंगे और फिर आप तवज्जो से सुनना, सुनाने का भी सवाब होगा और सुनने का भी। आज का जो ये आलीशान प्रोग्राम रतब किया गया है इसका सारा सेरा, इसका सारा जो है ना मतलब मामला हाजी अब्दुर्रऊफ मुगल साहब के सर है कि जिनकी अनथक मेहनतों से ये प्रोग्राम रतब हुआ। बाकी दीगर मेहमान आ चुके हैं, पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद हैं। अभी चंद लम्हों में आरपीओ गुजरांवाला तैयब हफीज चीमा साहब भी तशरीफ़ लाएँगे, सीपीओ साहब भी राणा अयाज सलीम साहब और आल एसपी साहबान और मैडम जो ट्रैफिक की है आयशा भट्ट साहबा वो भी आएंगी। अब मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करता हूँ। जिस तरह नात का पढ़ना सवाब है एंड इसी तरह सुनना भी सवाब है। आपसे गुजारिश है जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं ताजर साथी और उनके नुमाइंदा गान, आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल को छुट्टी दे दें, कुछ नहीं होता। ये मैं वादा करता हूँ आपका नुकसान कोई नहीं होगा इसमें। या इंतहाई मजबूरी है तो साइलेंट पे लगा दे, ऐसे कर लेंगे। बोलो तो सही यार, सारे सो गए हो, थोड़ा साइलेंट पे लगा लेंगे, बोलते ही नहीं है। तो मैं नात पढ़ता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुने। अल्लाह ने है पुंचाया सरकार के कदमों में, अल्लाह ने है पुंचाया सरकार के कदमों में, कुछ देर सलामी को ठहरा था मुझे पाक पर, फिर अदब मुझे लाया सरकार के कदमों में। हर साल सलामी को सरकार तलब कीजिए, ये अर्ज भी कर आया सरकार के कदमों में। मुझ जैसा तही दामा क्या नजर को ले जाता, एक नात सुना आया सरकार के कदमों में। याद आई सालक मुझको हर एक खता मेरी, आमाल पे शर्माया सरकार के कदमों में। रद्द कैसे भला होगी अब कोई दुआ मेरी, मैं रब को पकाराया सरकार के कदमों में। शुक्रिया जी, थैंक यू।
ये थे जनाब सरदार बशारत अहमद सालिक साहब जो नाते रसूल मकबूल पेश कर रहे थे। मैं आज इस प्रोग्राम में आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें वेलकम अहलम व सहलम व मरहबा और खुश आमदीद कहता हूं। आज का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाहुल अजीज चीफ गेस्ट जनाब आरपीओ गुजरावाला जो चंद लम्हा के बाद इंशाअल्लाह आपके दरमियान होंगे और उनके आने के बाद बाकायदा फिर प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा और प्रोग्राम से पहले बच्चों का एक टैबलो शो जो हम इंशाअल्लाह मेहमानों के आने के बाद करेंगे और मैं उन टैबलो शो वाले बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के पास तशरीफ ले आएं। सीपीओ गुजरावाला जनाब राना अय्याज सलीम साहब भी स्टेज की तरफ आ रहे हैं। अहलम व सहलम व मरहबा, वेलकम, खुश आमदीद जनाब आरपीओ गुजरावाला, जनाब मोहतरम तैयब हफीज चीमा साहब, जनाब राना अय्याज सलीम साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, तमाम अहबाब तशरीफ रखें, तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जा सके। आपके और मेरे मुअज्जज़ मेहमान जनाब तैयब हफीज सीमा साहब आरपीओ गुजरावाला स्टेज की जीनत बन चुके हैं और उनके साथ सीपीओ गुजरावाला जनाब मोहतरम राना अय्याज सलीम साहब। मैं उनको वेलकम अहलम व सहलम व मरहबा खुश आमदीद कहता हूँ। मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें और इस शो का इंतज़ाम अलशिफा फ्यूचर हॉस्पिटल ने किया है जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब डॉक्टर सरफराज अहमद मुगल साहब। मैं उनको भी अहलम व सहलम व मरहबा कहता हूँ। बहुत अच्छे माशाल्लाह। कारकर्दगी जो हमारे नौजवानों ने और पुलिस अफसरान ने अपनी ड्यूटी के दौरान अंजाम दी है, पाकिस्तान अंजमन ताजरान और आज पाकिस्तान तंजीम मुगलिया और अलशिफा फ्यूचर ट्रस्ट की तरफ से उनको अवार्ड तकसीम किए जाएंगे। मैं उन तमाम मुअज्जज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो आज इस तकरीब में तशरीफ लाए। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत ही खूबसूरत नगमा मलिका तरन्नुम नूरजहां साहब का, जैसा कोई गा तो नहीं सकता पर कोशिश करूंगी कि जब तक मैं गा रही हूँ आप सबको अपनी आवाज़ से महसूस कर सकूं। लेकिन गाने से पहले मैं अपना तारुफ करवाती चलूँ। आई एम एमन शमीज रोया एंड आई एम वॉइस ऑफ अलशिफा इन अलशिफा फ्यूचर हॉस्पिटल
और गाने से पहले मैं जितनी भी हमारी रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटीज़ हैं स्पेशली डॉक्टर सरफराज अहमद मुगल साहब, उनसे इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त शुक्रिया सर, प्ले कर। और
मिस ऐमन जावेद जो मिली नगमा पेश कर रही थी, मैं उनके अल्फाज को इस तरह आपको बताऊं, हम वो बुजदिल नहीं जो यलगार से डर जाएंगे सर, हम वो बुजदिल नहीं जो यलगार से डर जाएंगे, तुमने समझा है कि हम तलवार से डर जाएंगे, सैकड़ों हमला आवरों को चुटकियों में फेंक दें, तुमने क्या समझा है एक वार से डर जाएंगे, हमने खुद अपने लहू से ही सेंचा वतन, तुमने समझा कि हम हथियार से डर जाएंगे, हमारे ये जांबाज जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, इन्होंने दिन रात अपनी जिंदगियों को दाव पे लगाकर अपनी जानों के नजराने पेश कर कर इस वतन की और इस वतन में रहने वालों की हिफाजत की है, हम इनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। बहुत ही काबिले एहतराम मेरे मेहमान आने गिरामी जो इधर बैठे हैं, और सब मेहमान जो आज की इस शाम को रौनक बख्शने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। काबिले एहतराम मेहमाना निगरामी, आज की ये खूबसूरत सी तकरीब जिसको नाम दिया गया है तकसीम एवॉर्ड की, तकसीम की ये तकरीब है, मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए गुजरांवाला के लिए ये फ़ख्र की बात है कि आज के दिन में हम सब लोग इकट्ठे हैं और उन लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो हर वक्त अपनी जानों को हथेली पर रख के हमारी हिफाजत किया करते हैं। खुशकिस्मत लोग हैं हम कि हमें इन लोगों का साथ मुयस्सर है, लेकिन मैं जब ये देखता हूँ कि ये लोग जब वर्दी पहन लेते हैं, यकीनन वर्दी जो है एक कमिटमेंट है, और जब वर्दी के अंदर हम देखते हैं तो ये वही एक गोश्त पोस्त का इंसान है जिसके दिल में आरजुएं भी हैं, जिसकी ख्वाहिशें भी हैं, लेकिन जब ये वर्दी पहन लेते हैं इनको बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और आज की ये खूबसूरत सी तकरीब, मेरी ख्वाहिश है कि जब आप यहाँ से जाएं तो यहाँ से आज की इस तकरीब से खूबसूरत किस्म की यादें लेके जाएं, और इन लोगों को इस तरीके से आप खराज तहसीन पेश करें कि पता चले कि इनकी मेहनतें, इनकी काविशें, इनकी जवामर्दी जो है वो रंग लाई, और आज हम इन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ तंजीम मुगलिया पाकिस्तान का, मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमन ताजरा का, और स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ अलशफा फ्यूचर हॉस्पिटल का, जिनके कोलैबोरेशन के साथ, जिन सब की मौजूदगी के साथ, जिनके सलाम मशवरे के साथ आज की ये तकरीब इन लोगों के लिए जो कि इतनी खूबसूरत सी वर्दी पहने हुए हैं, खूबसूरत इंसान है, और इंसानियत की खिदमत का यकीनन तर्स इन्हीं से मिलता है हमें। तो आज इससे पहले कि हम आज की इस तकरीब को मज़ीद आगे बढ़ाएं, मेरी ख्वाहिश है कि फ्रंट से लेके आखिरी शख्स तक जो है वो आज की इस तकरीब में इन्वॉल्व रहे, ताकि हम आज जब यहाँ से जाएं तो खूबसूरत यादों के साथ यहाँ पे रुखसत हों। मेरे साथ मैं इस तकरीब का आगाज़, क्योंकि बहुत सी बातें इस हवाले से हो चुकी मुझसे पहले, हाफिज़ साहब जो है तफसीलन सब अपनी ऑर्गेनाइजेशंस का तारुफ करवाते रहे, मेरी दरख्वास्त है आप सब से कि ज़रा इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हमारा साथ दें, इन्वॉल्व रहें, अपनी गपशप से बाद में कर लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे जो लोग आएँ उनकी इज़्ज़त, उनकी तहरीम इसी में है कि आप खामोशी के साथ यहाँ जो कुछ हो उसको सुने और उनकी गुफ्तगू सुने, वो किस मान के साथ, किस जज्बे के साथ आज की शाम में आपके साथ हैं। आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं ऐसी शख्सियत को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है शहर को खूबसूरत बनाने में, लोगों के साथ प्यार करने में, और आज की इस तकरीब को संवारने में उनका बड़ा हाथ है। मैं बड़े एहतराम के साथ दावत दूंगा, आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अलशफा फ्यूचर हॉस्पिटल के,
बहुत खिदमत करते हैं और सारा दिन इसी काम में मसरूफ़ रहते हैं, जैसे इनकी कंट्रीब्यूशन है माशरे के लिए वैसे ही इनको इनका इस्तकबाल कीजिएगा। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे डॉक्टर सरफराज मुगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज्जज़ आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ सर, कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत अपने जज्बात का इज़हार कर सकूँ। आज के चीफ गेस्ट जनाब तैयब हफीज़ चीमा साहब, आज के CPO राना अयाज सलीम साहब, CTO आयशा भट्ट साहब और बाकी जो नए मेहमान हैं, मैं उनको सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे बशारत साहब कह रहे थे कि यूनिफॉर्म में जो एक इंसान है उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी औलाद हैं, उनके अपने घर बार हैं, वो कब घर से आते हैं कब घर जाते हैं किसी को कोई पता नहीं। हमारे लिए वो फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं, रात को हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम फिर भी नाशुक्रे रहते हैं। इस तकरीब का मकसद ये है कि वो पॉजिटिव काम जो ये लोग बहुत सारे करते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, अगर वो ना करें तो शायद ये जो आज हम बड़ी इज्जत और इहतराम से बैठे हुए हैं कभी भी बैठे हुए नज़र ना आते। मैं तहे दिल से सर आपकी और आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आपने इस शहर को, इसको खूबसूरत बनाने में, इसको प्रोटेक्ट करने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आने वाले ईयर में भी इंशाल्लाह ये तकरीब करते रहेंगे और नेक्स्ट ईयर हम लायर ऑफ़ द ईयर, डॉक्टर ऑफ़ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर और जो इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने अपने जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट करेंगे और अवार्ड देंगे। मकसद ये है कि जो लोग पॉजिटिव काम करते हैं हमें उनसे अप्रिशिएट करना चाहिए और जो नेगेटिविटी आपको मीडिया में नज़र आती है आप कभी उसके हट के भी आप एक दिन किसी पुलिस ऑफिसर के साथ गुजार लें तो आपको उनसा फील होगा कि ये आम इंसानी, ये सुपर ह्यूमन बीइंग है। एट द सेम टाइम ये मुआशरे से भी लड़े होते हैं, मुजरम जो क्रिमिनल है उनके साथ भी फाइट करते हैं, कोर्ट के साथ भी फाइट करते हैं। कोर्ट के अंदर मैं किसी सिलसिले में जाता रहा हूँ, कोर्ट के अंदर बिला वजह इन फीसर्स की इंसल्ट की जाती है और इसके अलावा ये सुबह से लेकर रात 12 बजे तक, बल्कि सम टाइम इनको पता नहीं होता कि कब घर जाना है और कब आना है। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ और बाकी जो मेहमान आए हैं उनके लिए भी वेलकम एंड खुश आमदीद। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सरफराज मुगल साहब, आपसे मुखातिब थे, चेयरमैन हैं अलशिफा फ्यूचर हॉस्पिटल के। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को, अपने माशरे को, अपने शहर को, अपने लोगों को संवारने में और उनकी ट्रेनिंग करने में इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम सलाम पेश करते हैं इनकी खिदमात को। हमारे आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब तैयब हफीज़ चीमा साहब RPO गुजरांवाला, वो भी हमारे साथ हैं। जनाब राना अयाज सलीम साहब CPO गुजरांवाला, वो भी साथ हैं, इनकी पूरी टीम आज साथ है। मैं थोड़ा सा यहाँ जब आया तो इतनी रौनक पुलिस वाले सब यहाँ पे देखे तो मैं ये सोच रहा था कि आज शायद थाने खाली हों, तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई पीछे ज़रूर होगा। आप क्योंकि आप इधर हैं, पीछे कोई ना कोई इस चीज़ को ज़रूर उसकी तरफ ध्यान दे रहा होगा। तो काबिल एहतराम मेहमान खसूसी जनाब तैयब हफीज़ साहब और जनाब राना अयाज सलीम साहब, हमारे पास जैसे मैंने इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र किया कि यहाँ पे आज की जो तकरीब है तंजीम मुगलिया पाकिस्तान, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और अलशफा फ्यूचर हॉस्पिटल के हवाले से उन्होंने इसको सारा ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें आप लोगों की भी कंट्रीब्यूशन ये है कि आपने पूरा साथ दिया और आज की इस शाम को खूबसूरत बनाने में आप सब लोग हमारे साथ हैं। आज की हमारी तकरीब के मुअज्जज़ मेहमान जनाब अली अशरफ मुगल साहब GDA साबिक चेयरमैन, उनके वालिदे मोहतरम डायरेक्टर सुपर एशिया जनाब हाजी मोहम्मद अशरफ मुगल साहब, मैं उनको इस तकरीब कर
आने पर खुशामदीद कहता हूँ, अहलम व सहलम व मरहबा जनाब हाजी मोहम्मद अशरफ मुगल साहब। हम इस प्रोग्राम के उस मरहले की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारे पास, जैसे मैंने पहले कहा, डॉक्यूमेंट्रीज हैं इन तीनों इदारों की। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री हमारे पास जो है वो पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से है। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये नज़र आएगी, ये डॉक्यूमेंट्री, ये पुलिस की कारकर्दगी इसमें आपको नज़र आएगी। जी
यासमीन है और मैं सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरा वाला हूँ जी। मैं आज मैंने विज़िट किया है अलशफा फ्यूचर हॉस्पिटल का, और ये सिर्फ नाम का फ्यूचर हॉस्पिटल नहीं है बल्कि यहाँ पे विज़िट करने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ के जो CEO हैं डॉक्टर सरफराज, उनका जो विज़न है दैट इज़ प्रैक्टिकली इन वर्क है। और सबसे जो तीन जो बड़ी अहम जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं और जो जिन एरियाज़ में इन्होंने फ्यूचरिस्टिक होके जो यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें लेके आए हैं, वो एक तो इनका सारा का सारा जो रिजुविनेशन का प्रोग्राम है, दूसरा जो इनका पेन मैनेजमेंट का जो पूरा एक शोभा यहाँ पर बड़ा एक्टिव है। और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ एंड आई वॉज़ हैप्पीली एस्टॉनिश्ड कि वो वाली मशीन जो शायद अभी लाहौर में भी मौजूद नहीं है वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बढ़ के ये कि गुजरांवाला में ये आम आदमी को भी ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि अच्छी लाइफ गुजारने के लिए पेन मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट और इस तरह की बहुत सारी जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको यूज़ करके आप अपने लाइफस्टाइल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी मुझे इनवाइट करने का, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस शहर में आपने, इस शहर के लोगों की खिदमत के लिए आपने इतना बड़ा सेटअप बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं समझता हूँ कि आज डॉक्टर सरफराज मुगल साहब का ये जो हॉस्पिटल देखने का मुझे मौका मिला है, यकीन जाने कि इतनी ज़्यादा खुशी हुई है और इस कदर ये मेरे लिए बायस मुसर्रत है। और मेरा यहाँ विज़िट ना होता तो मैं समझता कि जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई है। और मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ कि डॉक्टर साहब ने इतना, मैं समझता हूँ, स्टेट ऑफ द आर्ट इस सारी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है। फिर एक एक कमरा, एक एक वार्ड जो है वो बिल्कुल इंटरनेशनल, मैं नेशनल भी नहीं कहता बल्कि वाकई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। और मैं ये हैरान रह गया हूँ देख के कि इतना आला इसमें एक बिल्कुल एक क्लास नज़र आती है, और जो देखते ही आदमी जो है बिल्कुल इतना इम्प्रेस होता है। और मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल गुजरांवाला के क्या पंडित इस्लामाबाद के बड़े देखे, लेकिन शायद ही इस लेवल का, इस स्टैंडर्ड का कोई हॉस्पिटल देखने का मौका मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान तारिक है और मैं इस वक्त गुजरांवाला में बतौर चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मुझे अपने आई साइट के हवाले से मैंने डॉक्टर साहब को कंसल्ट करना था, तो जिसकी वजह से मेरा अलशिफा फ्यूचर हॉस्पिटल में विज़िट करने का मुझे मौका मिला। और जब मैंने इधर विज़िट किया तो माशाल्लाह मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये गुजरांवाला में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, जिसमें आपके पास हर तरह की हेल्थ फैसिलिटी और हर तरह के जो आपका मुख्तलिफ बीमारियों का डायग्नोसिस और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मौजूद है। तो मैं, मुझे इधर आके बिल्कुल इस तरह महसूस हुआ कि जिस तरह मैं शायद पाकिस्तान ही कहीं बाहर के किसी हॉस्पिटल में हूँ। और इधर का जो स्टाफ है वो नहायत कोऑपरेटिव है, जो डॉक्टर्स हैं जितने भी हैं वो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। हाय, आई एम डेप्यूटी स्पीकर फिल रामोस एंड आई एम हियर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। आई एम डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली। आई एम हियर ऑन अ मिशन टू ट्राई एंड प्रमोट इकोनॉमिक टाइज एंड सोशल टाइज विद पाकिस्तान, ओपन अप द वर्ल्ड, open up Pakistan to the world. And during that mission I came here and I had heard the reputation of Dr. Sarafraz Ahmad in his anti-aging treatment, in pain management and various other procedures. And in the middle of this this tour that we have throughout your country, we made it a point to come here and get treatment from the best of the best with anti-aging and the state of the art stem cell. You know, with stem cells, it's something that rejuvenates your body. It makes you younger again. Biologically, your body starts to reproduce itself in a younger form. But it's not any doctor who can do this. And believe me, I've come from the other side of the world specifically to this clinic here to get treated. I'm very happy with the treatment that we've received. I'm very happy with being in Pakistan in general, but I was so surprised to see the state-of-the-art facility, all the procedures that are offered here.
You know, many years ago, people used to come to the United States for stem cell treatment. But Dr. Ahmad has a practice here where people are coming from the United States to here to get the state-of-the-art treatment, something that is unprecedented. And I want to thank you, doctor, for your treatment. I want to thank you for your hospitality, for your professionalism, and for the service that you render, which makes an impact on the health of people and their lives, and it's something to be applauded. So I want to thank you. Al-Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations. बहुत शुक्रिया जी. आप सब लोगों ने बड़े नेमाक के साथ ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास थी वो आपने देखी. प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं. इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबका सदर हैं. उनकी चैम्बर के हवाले से, गुजरांवाला की कम्युनिटी के हवाले से बहुत सी खिदमात हैं, और ख़ास तौर पे अदब के हवाले से उनका बड़ा काम है. चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके उनके टेन्योर में बहुत सा काम हुआ. आपकी बहुत सी तालियों में बड़े एहतराम के साथ मैं दावत दूंगा, तशरीफ लाएंगे जनाब सईद ताज साहब. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मैं गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी के बिहाफ पे अपने पुलिस अफसरान को वेलकम करता हूँ, और जो हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की अप्रिसिएशन के लिए, मेरा ख़्याल है कि ये एक पहला कतरा है आपकी रिकग्निशन का, आपकी खिदमात की रिकग्निशन का. तो ये इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा, और हमारे देखा देखी बाकी जो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो भी इसकी तकलीद करेंगे. और जब हम इसको रिस्पेक्ट को, आपकी रिस्पेक्ट को बहाल कर पाए, लोगों के दरमियान आपका इमेज बेहतर कर पाए, तो इंशाल्लाह आप भी देखेंगे कि आपको भी खिदमत करने का ज़्यादा मज़ा आएगा.